खबर प्रयागराज से है, जहां चार दिन पहले कीर्तन थाना क्षेत्र में चार लोगों को गोली मारे जाने के मामले में एसओजी प्रभारी दिवाकर सिंह और क्राइम ब्रांच की टीम ने तीन लोगों को परेड ग्राउंड से गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस लाइन सभागार में एसपी क्राइम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन लोगों को मीडिया के सामने पेश किया। सभी से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि आरोपी विमलेश पांडे आबकारी विभाग में सिपाही के पद पर तैनात है और इसके दो और जो साथी थे, इन तीनों ने मिलकर इलाके में दहशत फैलाने के लिए गोलियां चलाई थी, जिनमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और इनमें से एक की मौत भी हो गई थी। बता दें कि तीन अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनका उपचार एसआरएन हॉस्पिटल में चल रहा है। ये पिछले महीने के 30 तारीख में कीटगंज थाना क्षेत्र में एक दुस्साहसी घटना हुई थी, जिसमें आबकारी विभाग के एक आरक्षी, जो निलंबित आरक्षी है विमलेश पांडे, उसने सामने ही उनकी चाट की दुकान वाले कुछ भाई, दो भाई थे, कुछ और लोग थे राहगीर, उनको किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और उसमें इसने अपने रिवाल्वर, जो लाइसेंसी रिवाल्वर है, उससे फायर किए थे। उसमें चार लोग इंजर्ड हुए थे, एक की इलाज के दौरान डेथ हो गई, बाकी लोग अभी उपचाराधीन हैं। इनके खिलाफ़ हम लोगों ने मुकदमा लिखा हुआ है और हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई थी और आज हम लोगों ने इनको जो है अरेस्ट किया है। तीनों जो हैं सतीश पांडे हैं, विमलेश पांडे हैं और तीसरा जो लाली है, जो उस मकान में जो रहता है पहले से, इनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और इसमें हम लोगों ने आला कतल जो रिवाल्वर है इसका लाइसेंसी, उसको भी बरामद किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।